अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके न्यू वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश शेयर केयर में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे ब्राज़ीलियन केराटिन, कैडव्यू केराटिन करेंगे। तो बहुत लोगों की फरमाइश थी कि सर आप कौन सा केराटिन यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों फर्स्ट आपको ये ब्राज़ील काकाओ का एंटी रेसिड शैम्पू आता है जिससे आपके क्यूटिकल ओपन होने में आपको मदद मिलती है। तो आपको इसे 2 से 3 बार अच्छे से शैम्पू कर लेना है और एक आध बार 5 मिनट में बीच में आपको ये शैम्पू को रख देना है 5 से 10 मिनट तक और उसको रिंस करना है। ये जो शैम्पू है ये ज़्यादातर आपके बालों में से क्यूटिकल को बहुत ज़्यादा ओपन करने में मदद करता है। तो जैसे ही आपका शैम्पू हो जाए तो आपको फर्स्टली क्या करना है, पूरे बालों को ड्राई करना है। एक 90% आप बालों को ड्राई कर लो अच्छे से और उसके बाद हम लोग जो केराटिन है वो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने केराटिन स्टार्ट किया, नंबर 2 आता है इसका केराटिन, ब्राज़ीलियन थर्मल रिकंस्ट्रक्शन का नाम से आता है ये, तो BTR भी बोलते हैं इसे। तो ये हम क्या करेंगे, अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे और इसे कोम आउट करके हर एक बाल तक पहुँचाएँगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोमिंग करते हो तो हर एक बाल को अच्छे से लग जाता है और इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं कि आप स्मॉल स्मॉल सेक्शन ले, इसमें भी आप बड़े सेक्शन लेके अच्छे से प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, एकदम प्रॉपर हर एक बाल को ये टच हो जाएगा जिससे कि आपका जो केराटिन है वो ईजिली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे सेक्शन में। तो दोस्तों देखो, एकदम इजी वे से ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन एकदम इवनली करना है आपको। और एप्लीकेशन होने के बाद जैसे बाकी का केराटिन है, जैसे इसके पहले भी हमने गोदरेज का केराटिन यूज़ किया था, उसमें हम लोग एक 30 या 40 मिनट्स तक रुके थे। तो ये केराटिन में वैसी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ये जो केराटिन है वो आप सेम डे भी कर सकते हो। और यानी ये केराटिन में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप ड्राई करना है आपको बालों को और ड्राई करते ही आपको आयनिंग स्टार्ट कर देनी है। तो बाकी केराटिन में थोड़ा रुकना पड़ता है यार, 30-40 मिनट, बस इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये केराटिन आप थोड़ा फास्ट होता है ये सारी चीज़ें और सेम डे वॉश है, क्लाइंट को दोबारा बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, सेम डे ही ये केराटिन का सारी चीज़ें हो जाती है। तो मुझे तो ये जो केराटिन है ये स्पेशली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये भी यही केराटिन मैं यूज़ करता हूँ मेरे सलोन में। तो बहुत अच्छा केराटिन है, आप भी ये यूज़ कर सकते हो और रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है इसका। और जो भी इंस्टाग्राम पे मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके केराटिन के रिज़ल्ट डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो हमारा एप्लीकेशन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो प्रॉपर एप्लीकेशन करने के बाद अच्छे से कोम आउट कर रहा हूँ जिससे कि हर एक बाल को अच्छे से केराटिन पहुँचे, हर एक बालों को केराटिन का एप्लीकेशन हो। तो इजीली एप्लीकेशन हमारा हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको ड्राई करना है। सॉरी, एक साइड का मेरा बाकी है तो उतना पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इन बालों को ड्राई करेंगे अच्छे से। और ड्राई करने के बाद हम लोगों को तुरंत ही आपको आयनिंग स्टार्ट कर देने। हाँ, तो आपको जब भी ड्राई करना होगा तो इसको आपको कोल्ड ड्राई से ड्राई करना है, इसको हीट नहीं देनी है। और जैसे कि अभी हीना वाले बाल है या वैसे हेयर है तो आप इसे 1 मंथ या 2 महीने पहले हीना के ऊपर भी लगा सकते हो, तो ये अच्छा काम करता है उसके ऊपर भी। बट अगर रिसेंटली हीना एप्लीकेशन हुआ है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने कलर एप्लीकेशन किया है तो तुरंत भी आप कलर के बाद तुरंत भी केराटिन कर सकते हो। अगर आपने स्मूदनिंग किया है तो आप 10-15 दिन में भी कर सकते हो या 3 दिन के बाद भी आप ये केराटिन कर सकते हो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करके। अगर आपने केराटिन किया है और तुरंत उसके बाद कलर करना चाहते हो तो आप कलर नहीं कर सकते, आप बस रूट टचअप कर सकते हो। और आपको क्या करना है उसके बाद, आपको करना है कोल्ड ड्राई करना है। कोल्ड ड्राई क्यों करना है, क्योंकि अगर आप हीट यूज़ करते हो तो हीट में क्या होता है, बालों में जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो तुरंत चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत आंखों में इचिंग करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जितना हीट दोगे आप उतना ही ये एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ड्राई होने के बाद हमने क्या किया, आयनिंग स्टार्ट किया है। तो आयन आपको कम से कम एक आयन का स्ट्रोक हर एक बाल के ऊपर 14 टाइम तो भी होना चाहिए।
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो पेनिट्रेशन का काम ही ये आयन के ज़रिए हम करते हैं। तो आपको जब भी आयनिंग आप करते हो तो एकदम ईजी वे से और प्रॉपर वे से करी जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप आयन ठीक से नहीं करते हो तो आपका प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होता है। तो इनके बालों के ऊपर हमने पहले हाईलाइट किए थे, उसके बाद ये आयन हम लोग यानी कैरेटिन हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कैरेटिन आप सारे केमिकल सर्विसेज के बाद करो, ना कि उसके पहले, क्योंकि अगर आप आज समझो आपने कैरेटिन कर लिया और तुरंत कलर करते तो वो बालों में से कैरेटिन तुरंत ही चला जाएगा, जिसका आपका कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते कि जो भी केमिकल सर्विस आपको करनी है वो कैरेटिन के पहले करो और उसके बाद ही कैरेटिन करो, तो आपके बालों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बालों की स्ट्रेंथ बनाए रखेगा, ड्राई फ्रिजनेस नहीं होने देगा और बालों को एक अच्छा लुक भी देगा। तो कैरेटिन का जो रिज़ल्ट है वो कम से कम 6 मंथ तक टिकता है अगर आप इसके शैम्पू कंडीशनर यूज़ करो तो। और इसके शैम्पू में एक स्पेशल चीज़ें होती है हर एक कैरेटिन में, सल्फेट फ्री, सोडियम क्लोराइड फ्री, पैराबेन फ्री। तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये बालों में प्रोटीन टिकाने को मदद करते हैं। जैसे कि आप सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ सकता है, तो इस कैरेटिन में बिल्कुल भी, आप जो भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हो उसमें बिल्कुल भी सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पैराबिन नहीं है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों हमारा आयनिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। आयनिंग के बाद आपको वॉश करना है इनके हेयर के ऊपर। डीप कंडीशनिंग मास्क आता है 3 नंबर, तो ये 3 प्रोडक्ट आते हैं, 1 नंबर रेसेट शैम्पू, दूसरा आपका ट्रीटमेंट और तीसरा डीप कंडीशनिंग मास्क। तो जो मास्क है उसको हमने लगा के रखा है 10 मिनट तक। तो 10 मिनट होल्ड करने के बाद में आपको अच्छे से एप्लीकेशन के बाद 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद इसे करेंगे रिंस, और रिंस के बाद में इनका एक फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छा लुक आ रहा है इनके हेयर्स के ऊपर। तो 10 मिनट रख दिया, सेम डे ही ये सारी प्रोसेस है, आपको कुछ भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार रुकना पड़ता है दूसरे कैरेटिन में, दूसरे दिन बुला के फिर से आयन थोड़ा बहुत करके आपको फिर शैम्पू कंडीशनिंग करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेम डे ही आपकी पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो दोस्तों हमारे ये हेयर वॉश हो गया, तो अभी मैं दिखा तो आपको रिजल्ट। तो उसके पहले हम लोग गीले बालों के ऊपर एसआई ऑयल लगाएंगे और उसके बाद यानी सीरम का भी काम करता है ये, और उसके बाद ड्राई के बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। तो प्रॉपर ड्राई होने के बाद हम लोगों ने अच्छा ब्लो ड्राई किया है और उसके बाद ये रिजल्ट है हमारे कैरेटिन का। तो दोस्तों ये कैरेटिन का रिज़ल्ट आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्यारा रिज़ल्ट है और ये बहुत अच्छा कैरेटिन है, एक डे में ही पूरा हो जाता है, उसको बाद में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लाइंट्स को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो दोस्तों। तो और नए नए मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक हेयर कट का वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।